बाजार की मिठाइयाँ, फैक्ट्रियों में कारखानों में बना हुआ भोजन, बाजार का पका हुआ भोजन, भगवान को भोग लगा देते हैं। बाजार की मिठाइयाँ, बाजार के भोजन जूठे हैं या सूचे, ताज़ा हैं या बासा, उनमें मिलावट है या नहीं, आप खुद निर्णय लीजिए। जिन पदार्थों को हमारे शास्त्रों में वर्जित किया गया है, जिन पदार्थों को खाने से रोग आते हैं, भगवान ऐसा गीता में कहते हैं, उन्हीं पदार्थों का हम मंदिर वाले भगवान को भोग लगाते हैं और उन्हीं पदार्थों का हम अंदर वाले भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, भोग किस पदार्थ का होना चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम हरे पत्ते वाली सब्जियां, पुष्पम फलम फल, तोयम जल। हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल और जल। जो व्यक्ति मेरे को भक्ति भाव से भेंट करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। क्या भगवान हमारे भोग के भूखे हैं? भगवान हमें गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये प्राणी हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, फल और जल, इससे बढ़िया इस पृथ्वी के ऊपर ना ही कोई औषधि है, ना ही कोई भोजन है और ना ही कोई प्रसाद है।